नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज तिवारी। आप सब देख रहे हैं मेरा और आपका अपना YouTube चैनल द अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोरट ट्रेडिंग के बारे में। आखिर क्यों मनाई जाती है मोरट ट्रेडिंग और क्या है इतना खास इस मोरट ट्रेडिंग में? तो जैसे कि आप सब जानते हैं, संडे के दिन है इस बार दिवाली, यानी कि कल। तो दिवाली के दिन मार्केट को ओपन किया जाता है शाम को 6:15 से 7:15 तक, और उसमें ही मनाई जाती है मोरट ट्रेडिंग। अब आप सब ने ये तो जान लिया कि मोरट ट्रेडिंग क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, मोरट ट्रेडिंग में हमें क्या लेना चाहिए जिससे हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो और जिससे हमारी दिवाली और आने वाला साल दोनों ही प्रॉफिटेबल गुजरे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए, हमें कॉल खरीदना चाहिए या पुट खरीदना चाहिए, आओ हम पता करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सब देख सकते हैं हमारा स्क्रीन, हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, जिसमें हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि मोरट ट्रेडिंग के दिन क्या होने वाला है मार्केट में। दोस्तों, जैसे आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें बैंक निफ्टी ने हमारा जो रेजिस्टेंस था 43,835 का, उसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया है और काफ़ी अच्छा ग्रीन बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट किया है। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी है। बट मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये एक ट्रैप है। मोरट ट्रेडिंग के दिन जो मार्केट ओपन होने वाला है वो होगा नेगेटिव, और जो हमारे इनिशियल लेवल्स होंगे दोस्तों वो होंगे 43,716 के। अगर ये लेवल्स ब्रेकआउट करता है तो हमारा दूसरा इनिशियल लेवल होगा 43,549 का। तो दोस्तों, लेवल्स तो हमें मिल गए हैं, पर ये क्यों ट्रैप है? क्यों मैंने कहा कि ये एक ट्रैप हो सकता है, आइए देखते हैं। तो आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि अभी 15 मिनट्स का चार्ट चालू है, हम 1 आवर का चार्ट लेंगे और 1 आवर के चार्ट्स पे हम देखेंगे कि मैंने क्यों कहा कि ये ट्रैप है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को इसने बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया, बहुत ही बड़े कैंडल से। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वॉल्यूम्स आप देखिए पिछले कैंडल की क्या वॉल्यूम थी, उसके बाद जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल की क्या वॉल्यूम थी। इससे साफ साफ ये मालूम पड़ता है कि बुल्स जो है वो धीरे धीरे मार्केट को लूज़ कर रहे हैं, और मार्केट जो जा रहा है, मार्केट का जो स्ट्रेंथ जो जा रहा है वो बेयर्स के पास जा रहा है। हम और कन्फर्मेशन के लिए 4 आवर का चार्ट भी ओपन करके देख सकते हैं। 4 आवर पर भी सेम ऐसा ही हुआ है बिल्कुल भी। देखिए, यहाँ पर भी उसने ब्रेक किया है, बट वॉल्यूम आपको कम देखने मिलेंगे। बट दोस्तों, हमें कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा? हमें कन्फर्मेशन मिलेगा 1 डे के चार्ट देखने पर। वन डे का चार्ट जब हम ओपन करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था। 1 आवर पे भी ब्रेक किया, 4 आवर पे भी ब्रेक किया, बट 1 आवर पे ये ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट ने ब्रेक तो किया, बट वो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से आके नीचे बंद हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो मोरट ट्रेडिंग के दिन मे बी नेगेटिव ओपन हो सकता है, मे बी पॉजिटिव ओपन हो सकता है, बट मार्केट जो क्लोजिंग देगा वो नेगेटिव ही देने वाला।